हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें लिखा है कि अलाइन थ्रू दिस विद डायरेक्शन रेशियो 3,2,2 मीट्स द प्लेन एक्स प्लस 2y+3z=18। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझ लेते हैं। क्वेश्चन इजी है। ये है एक्स प्लस 2y+3z=18। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा है कि एक लाइन जो है वो आ रही है और ये लाइन ऑलरेडी किसी पॉइंट से पास कर रही है। वो पॉइंट है 1-1,2 और वो इस तरीके से पास करती हुई जा रही है। तो आपको ये बताना है ये लाइन इस प्लेन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ये है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। तो ये पॉइंट फाइंड करने से पहले ये जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है हमें इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो किसी लाइन की इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। इसमें x1 y1 z1 तो वो पॉइंट हो गया जिससे वो लाइन पास कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,-1,2 है तो ये हो जाएगा। और आपको लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी दे रखा है 3,2,2। तो नीचे तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा y+1, नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा z-2, नीचे आएगा 2। ये क्या किया है वो आपने देख लिया होगा। इसको x1 y1 z1 की जगह पुट किया और इसको जो है x2 y2 z2 की, सॉरी ABC की जगह पुट किया। ये डायरेक्शन रेशियो है ना हमारा, तो इसको ABC की जगह पुट किया हमने। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अब आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई है, मैं इसको के इक्वल रखता हूँ। क्यों रख रहा हूँ के इक्वल, अभी समझ में आ जाएगा। पहले इसको इसके इक्वल रखो। तो x-1/3 किसके इक्वल है, के। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाती है 3k+1। इसी तरीके से इसको के इक्वल रखो तो मुझे y की वैल्यू मिल जाती है 2k-1। ऐसे ही इसको के इक्वल रखो तो मुझे z की वैल्यू मिल जाती है 2k+2। तो ये एक्स वाई जेड पॉइंट्स आ गए। कहाँ पर है ये पॉइंट लाई करता है, इस लाइन पर। और याद रखना क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है तो इस लाइन की इक्वेशन में जो ये एक्स वाई जेड है ये जनरल पॉइंट है ऑन अ लाइन। इसका मतलब ये पॉइंट लाइन पर कहीं पर भी माना जा सकता है, कहीं पर भी माना जा सकता है। पर हमें भी ज़रूरत कहाँ की है, ए की। तो सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए पर लाई कर रहा है तो ये एक्स वाई जेड जो है पॉइंट वो कहाँ पर लाई कर रहा है, ए पर। और ए पॉइंट जो है वो प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये अगर लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ऑटोमेटिकली ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इनको प्लेन की इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। तो पुट करता हूँ जरा, पहले मैं, ये रहा हमारे पास एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा हमारा 3k+1। फिर ये है 2y, तो 2y का मतलब है 2 × y है 2k-1। फिर ये है 3z, 3z का मतलब 3 × 2k+2 और दूसरी तरफ हमारे पास 18 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 3k+1 और ये 4k-2, ये 6k+6=18 है। इन दोनों को जोड़ो 7k और ये कितना हो गया 13k। इसको इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -1, -1 + 6 हो गया 5 और 5 को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 - 5। ये समझ में आ गया हो तो 13 के इक्वल आ गया 13 के। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अभी जो k की वैल्यू है वो यहाँ 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 और यहाँ पुट करके मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा। पहले अगर मैं इसमें k की जगह पुट करूंगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें 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 अगर k की जगह 1 पुट करूंगा, अच्छा यहाँ पर गलत बता दिया मैंने, यहाँ पर k की जगह 1 पुट करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। इसमें पुट करूंगा k की जगह 1 तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें k की जगह पुट करूंगा तो मुझे z की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो फाइनली जिस पॉइंट पर लाइन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जो कि a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर निकाल लिए जो कि आएगा 4, 1, 4। तो ये जो पॉइंट है ये 4, 1, 4 आ गया। अगर ऑप्शंस में जाएं तो 4, 1, 4 जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।